वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने मेरा पहला लेसन अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, उसको सीख लिया होगा, बाय हार्ट भी कर लिया होगा। अगर मैं आपको याद कराऊं तो हमने पहले लेसन में सीखा था यूज ऑफ टू बी इन प्रेजेंट टेंस इन असर्टिव फॉर्म। याद आ रहा है कुछ? उसका फॉर्मेशन मैं आपको दोबारा याद करा देता हूं। याद करो, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म, ये दोनों में हम लोगों ने टू बी के यूज को याद किया था। टू बी के तीन प्रकार के फॉर्म होते हैं, थोड़ा रिवीजन हम कर लेते हैं झड़प से, थोड़ा जल्दी में। एमिजार इन प्रेजेंट टेंस, वॉज वेयर इन पास्ट टेंस, विल बी एंड शैल बी इन फ्यूचर टेंस। याद आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यह सीखा था कि चार तरह के जो सेंटेंसेस थे उनमें से पहला सेंटेंस हमने पढ़ा था सिंपल यानी असर्टिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को हम लोगों ने थोड़ा बारीकी से सीखा था। आई एम, वी आर, यू आर, यू आर, ही इज, सी इज, इट इज एंड दे आर, दीज आर फ्रॉम द असर्टिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। मींस वी हैव लर्न्ड रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ टू बी इन प्रेजेंट टेंस इन असर्टिव फॉर्म, only in a certain form. Now, if I go for the formation of the sentences, how can it be made? Number one, I am Samir. Number two, you are my best friend. Number three, this is a classroom. Number four, it is a board. Number five, today is a holiday. So every time, if you minutely go through, what kind of formation of the sentences are made? It is made of am, is and are only in assertive form. Not is never been used, question is never been arise, कभी हमने question भी नहीं किया, हमने कोई negative sentence नहीं बनाया, तो आज हम negative sentence बनाने का सीख रहे हैं। तो जब negative sentence बनाने के लिए हम बात करते हैं तो तीन चीजों को महत्व देना चाहिए। नंबर वन, assertive का जो फॉर्म है उसको हमें बाय हार्ट जरूरी है करना, अगर वो बाय हार्ट किया हुआ है तो उसको याद रखना है। नंबर टू, एनओटी नॉट नाम का जो लेटर है, जो वर्ड है एनओटी नाम का, जिसको हम नॉट बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं टू बी फॉर्म के बाद में। और तीसरी बात है कि सेंटेंस में नेगेटिव भाव आना चाहिए। मैं आपके सामने इसका जो टॉपिक है उसको आज फिर से लिख रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है टू बी फॉर्म, टू बी इन नेगेटिव इन प्रेजेंट टेंस। यदि टू बी को हम नेगेटिव में लिखेंगे तो जो टू बी का फॉर्म होता है उसके साथ में हम लोग नॉट का यूज करेंगे, तब जाके हमारा सेंटेंस बनता है। अब इसको मैं फिर से वो जो हमारा फॉर्मेशन था वो फॉर्मूला पे आता हूं। तो आज हमारा फॉर्मेशन नंबर होगा सेकंड। आपको याद करा दूं, पहले वाला जो फॉर्मेशन था, आई एम, वी आर, यू आर, ही, सी इज, इट इज, दे आर, मैं हूं, हम हैं, आप है, आप है, वो है, वे है, ये है और वो सब है, उसको हिंदी में हम लोगों ने कन्वर्ट किया था। अब हम बात कर रहे हैं टू बी इन नेगेटिव, जिसके अंदर नॉट का यूज होगा। फिर से हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो आई है, उसके साथ एम को यूज करना है लेकिन साथ में नॉट लिखना है। आई एम नॉट, यानी इसका मतलब होता है मैं नहीं हूं। अब क्या नहीं हूं, ये सब हम सेंटेंसेस में बनाएंगे। उसका प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म था, अब प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं, जिसके अंदर आता है वी आर नॉट। अगर आप इसको अच्छी इंग्लिश सीखने की कोशिश में बोलना चाहते हैं तो इसको लिखा जाता है वी आरंट, इसको शॉर्ट फॉर्म आर नॉट इज इक्वल टू आरंट बनता है। आगे बात करते हैं सेकंड पर्सन की, तो यू आर नॉट या फिर यू aren't हम लोग लिख सकते हैं। जिसका होता है, इसका होता है हम नहीं है। क्या नहीं है,
वो सब सेंटेंसेस में होता है। यहां पे आप नहीं है, यहां पे अगेन यू aren't, आप नहीं है। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो याद करो थर्ड पर्सन में कौन आता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, इसको हम स्पीकर बोलते हैं जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड होता है उसको हम लिसनर बोलते हैं, और थर्ड जिसके बारे में हम बात करते हैं। मेरा भाई होशियार है, यानी मैं नहीं हूं, यानी बोलने वाला नहीं है, आप सुन रहे हो तो आप नहीं है। थर्ड पर्सन की बात किया तो वो मेरा भाई ही में आएगा, इसके साथ इज नॉट होता है, या फिर इसको हम इजंट लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ ही इजंट, सी इजंट, इट इजंट, यानी वे नहीं है, वे नहीं है और ये नहीं है। अब इसका प्लूरल फॉर्म होता है दे आरंट, वे सब नहीं है। क्या नहीं है ये हम सेंटेंस में लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन बना, फॉर्मेशन नंबर टू बना, वो क्या बना, नेगेटिव पार्ट टू बी का, उसको हम कैसे रिएक्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस के, आई एम नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, सी इज नॉट, इट इज नॉट एंड दे आर नॉट। मैं नहीं हूं, हम नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है, वे नहीं है, वे नहीं है, ये नहीं है, वे सब नहीं है। क्या नहीं है मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं। आई एम नॉट एन एनिमल, तो आई एम नॉट कंटिन्यू रहा, उसके बाद एन एनिमल मैंने यूज किया। आई एम नॉट एन एनिमल, मैं कोई प्राणी नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं, ये दोनों के बीच में मुझे क्या लिखना है, मैं कोई प्राणी नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मैं सिंगर नहीं हूं, आई एम नॉट अ सिंगर, मैं गायक नहीं हूं। यू आर नॉट माई नेबर, यू आर नॉट माई नेबर, आप मेरे पड़ोसी नहीं है। अब ये जो फॉर्मेशन का यूज किया हमने, इसको जैसे हमने assertive sentence के बारे में बोला था कि 10 sentence की प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को इसके साथ साथ इसके फॉर्मेशन को भी याद रखना है। तो assertive का रिपीटेशन कर लेते एक बार, assertive form का फॉर्मेशन नंबर वन, I am, we are, you are, he is, she is, it is and they are। नेगेटिव बोलते हैं I am not, we are not, you are not, he is not, she is not, it is not, they are not। अगर हम अच्छी इंग्लिश जिसे बोलते हैं उस तरह से बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो I am not, we aren't, you aren't, he, she, it isn't and they aren't। मैं नहीं हूं, हम नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आज हम लोगों ने जो लेसन सीखा है उसको आप एक बार फिर से कंटिन्यू जो प्रोसेस है उस तरह से बाय हार्ट करोगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, उसको आप कंप्लीट करो। क्या किया हम लोगों ने अब तक, टू बी इन प्रेजेंट टेंस इन असर्टिव फॉर्म, एंड आज जो सीखा है वो टू बी इन प्रेजेंट टेंस इन नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव सेंटेंसेस टू बी के फॉर्म का उपयोग करके हम प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाते हैं उसको हम लोगों ने सीखा है। थैंक यू।